हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू शाहिद और आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जीआई पाइप में थ्रेड कैसे बनाया जाता है, मतलब कि चूड़ी कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। दोस्तों, अभी आप जो मेरे हाथ में मशीन देख रहे हैं, इसका नाम डाई है, इसी से मतलब थ्रेड बनाया जाता है। और दोस्तों, पहले इसका काम बहुत होता था। पहले मतलब क्या होता था, पहले हर जगह जीआई का ही ज़्यादातर काम होता था, उसमें मतलब इसी से थ्रेड बनाया जाता था। और ज़्यादा मोटा पाइप अगर हो जाता था तो दो तीन आदमी लगने पड़ते थे और उसके बाद ही थ्रेड बनता था। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पूरा मतलब आपको क्या करना, पहले आपको डाई को अच्छी तरीके से पूरा सेट करना होगा, उसके बाद ही आपको थ्रेड बनाना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, डाई को सही से सेट नहीं करते हैं और थ्रेड बनाने में लग जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका हैंडल लगाना होगा, आपको हैंडल दोनों तरफ आपको लगाना होगा। इससे क्या होगा, आपको डाई को घुमाने में आपको ज़्यादा ताकत नहीं लगेगा और आपका थ्रेड जो है वो आसानी से बन जाएगा। ज़्यादा मोटे पाइप में दो तीन आदमी लग जाते थे पहले, अभी तो ये थोड़ा आसानी हो गया है। तो अभी देख सकते हैं दोनों लग गया है। और पीछे आपको लेग लगाना है, जैसे कि मेरा पौने इंच का पाइप है तो पौने इंच का आपको पीछे लेग टाइट कर देना, एक इंची है तो एक इंची कर देना। और आगे अभी देख सकते हैं दो गुटका मैंने लगाया, जो थ्रेड चूड़ी बनाता है वो भी मैं दो इसमें लगा दिया हूँ पौने इंच का। और पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग रिंच से, पाइप रिंच से अभी पाइप को पूरा मतलब पकड़ने के लिए, यहाँ पे ज़्यादा पाइप घूमे नहीं इसलिए हम लोग इसको टाइट करके रखना होगा। और एक आदमी आपको पीछे भी इसको पकड़ना होगा, क्योंकि जब आप थ्रेड बनाएंगे इसमें तो ज़्यादा ताकत आपको घुमाने में लगेगा, तो पाइप घूमना नहीं चाहिए, पाइप मतलब स्ट्रेट मतलब सही से मतलब टाइट रहना चाहिए, उसके बाद ही आपको थ्रेड बनाने में दिक्कत नहीं आएगा। अभी देख सकते हैं दोनों तरफ यहाँ पे एक नट होता है, उसको आपको हल्का रखना है। शुरू में आपको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, आपको हल्का रख के इसको आपको घुमाना होगा। शुरू में आपको ज़्यादा टाइट कीजिएगा तो थ्रेड नहीं बनेगा, ख़राब हो जाता है, ज़्यादा चूड़ी कटने से मतलब इधर उधर कट जाता है शुरू में और आपका पाइप जो होता है वो ख़राब हो जाता है। शुरू में आपको धीरे से आपको उसको टाइट करके आपको धीरे धीरे घुमाना है। और आगे आप देखते रहिए कैसे हम लोग यहाँ पर थ्रेड बनाते हैं। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगता है वीडियो में ज़रूर कमेंट किया कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए आपको आगे बताता हूँ पूरा प्रोसेस थ्रेड बनाने का। तो दोस्तों, ये अभी थ्रेड पूरा बन रहा है धीरे धीरे, अभी मैं इसको ज़्यादा नहीं कसा हूँ। अभी आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बना है, और अभी हम लोग को दो से तीन बार इसको बनाना होगा। जीआई पाइप है, शुरू में नहीं बनता है, एक ही बार में नहीं बनेगा, इसमें तीन चार बार इसको करना होगा, उसके बाद ये बनेगा। तेल दिया जाता है, हम लोग क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा सरसों का जो तेल है उसको भी लगा देगा। आप देख सकते हैं सरसों का तेल है, इसको दे देता हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसको देने के बाद बहुत ही अच्छा मतलब ज़्यादा टाइट नहीं घूमता, आराम से थ्रेड बन जाता है। इसको चलिए दे दिया मैंने और दे देता हूँ। अब मैं फिर डाई को यहाँ पे सेट करता हूँ। हमारे अंकित भाई खैनी बना रहे हैं, देख रहे हैं किस जगह से देखिए। तो दोस्तों, इसको देख के आप पूरा समझ जाइएगा कि थ्रेड कैसे बनता है। तो दोस्तों, अभी देख सकते हैं अभी हम लोग का थ्रेड कुछ हद तक बन चुका है। अभी हम लोग यहाँ पे जो एल्बो इसको लगा के देखता हूँ मैं। दोस्तों, अभी ये नहीं जा रहा है, इसमें अभी और मारना होगा, तो एक बार मैं और इसको मारता हूँ, उसके बाद
दोस्तों अभी देख सकते हैं हम लोग पूरा ब्रेड बना चुके हैं। अभी इसको लगा कर ट्राई करता हूँ कि जाता है कि नहीं। तो दोस्तों हम लोग पूरा एंड यहाँ पे चला गया, मतलब थ्रेड बन गया, थ्रेड नहीं। अभी देख सकते हैं पूरा ये पाइप में चला गया, मतलब इसको आप कहीं भी फिटिंग कर सकते हैं। ये एल्बो है और ये थ्रेड है, ये थ्रेड तक पूरा घुस जा रहा है, मतलब कि हमारा थ्रेड अच्छा से बन गया है। अगर आप भी नहीं जानते तो इस तरीके से बना सकते हैं थ्रेड। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग पूरा एल्बो के यहाँ पे लगा दिए, पूरा एल्बो यहाँ पे घुस जा रहा है, पूरा थ्रेड बन चुका है। जितना हम लोग का थ्रेड चाहिए था उतना हम लोग बना लिए, ज़्यादा इसमें हम लोग थ्रेड नहीं बनाए, जितना ज़रूरत था हम लोग उसी हिसाब से हम लोग इसमें हम लोग थ्रेड बनाए, आप पूरा देख सकते हैं। तो चलिए इसको मैं आपको खोल के एक बार दिखाता हूँ। अभी हम लोग इसको खोल देता हूँ मैं, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा थ्रेड बना हुआ है। ये हम लोग का पाइप है, तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।